पिछले एक साल में स्मॉल कैप्स में जबरदस्त रैली आई है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स बाकी कैटेगरी के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा है, और कई फंड हाउसेस में ये प्रॉब्लम फेस होने लगी है कि इतने तेजी से वो जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसको वो सच में सही जगह प्रोडक्टिव यूज में जहां से अच्छे रिटर्न्स आए वहां कैसे लगाए। छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप है, बहुत लिक्विडिटी नहीं होता, फ्री फ्लोट नहीं होता, कहां से वो इतने नए नए आइडियाज जनरेट करें या इतनी लिक्विडिटी लाए कि जो स्टॉक वो खरीदना चाहते हैं उसको खरीद पाए सही दाम में। क्योंकि स्मॉल कैप्स में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा लगा और प्राइस आसमान छूने लगता है, वैल्यू चली जाती है, जिसके कारण आई हाईली रिस्पेक्ट तीन AMCs का एक्शन, टाटा, निपॉन, SBI, जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद किए अपने स्मॉल कैप फंड्स में, सेइंग कि अभी वैल्यू नहीं है और मार्केट्स आर एट अ हाई, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स वाला। तो अपनी कमाई को रोक देना लोगों के बेनिफिट के लिए, अपनी रेप्यूटेशन के लिए, इज अ थिंग दैट आई ग्रेटली रिस्पेक्ट इन तीनों AMCs के लिए। मेरी नजर में इनके लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई। निपॉन, SBI, टाटा, हैट्स ऑफ, गुड जॉब, बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कैटेगरी ने दिए हैं। हमने जो पिछले दो सालों से फंड बताया है उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आज आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो स्मॉल कैप्स में, तो वी आर ऑफ द ओपिनियन, अब ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है या मैं कोई ज्योतिष बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यूएशन इज एट अ प्रीमियम। तो जब चीज कोई महंगी होती है तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साल गिर ही जाएगा या मैंने बोला है तो हो ही जाएगा, मैं पहले भी बहुत बार गलत रहा हूं, लेकिन अभी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता है स्मॉल कैप्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप SIP कर रहे हो, पिछले एक दो सालों से कर रहे हो, कंटिन्यू विथ योर SIP इन द फंड दैट वी रिकमेंडेड लास्ट ईयर, अगर आप उसमें कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। बड़ा फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट या न्यू SIPs शुरू ना हो इसलिए इस साल वी आर नॉट रिकमेंडिंग अ न्यू स्मॉल कैप फंड इस लेवल्स पे। आई एम नॉट कंफर्टेबल कि लोग स्मॉल कैप्स में पैसा लगाना शुरू करें। जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं उन्होंने काफी पैसा कमाया भी है, तो थोड़ा अगर करेक्शन आता भी है, मार्केट गिरता भी है, तो उनकी होल्डिंग्स एवरेज हो जाएंगी, वो स्टिल प्रॉफिटेबल रहेंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस लेवल पे देखो, मार्केट यहां से भी बहुत आगे बढ़ सकता है। एक साल बाद आई कैन लुक लाइक अ फूल कि इसने बोला था तब मत खरीदो और मार्केट बहुत बढ़ गया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉजिक मुझे ये करने से अभी मना करता है, इसलिए इस साल वी आर नॉट डूइंग इट। इंस्टेड स्मॉल कैप यानी आप हाई रिटर्न्स चेस कर रहे हो, आप लार्ज कैप मिड कैप से डाइवर्सिफाई होना चाहते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, कंट्री का मार्केट अगर कुछ गलत परफॉर्म करता है उससे हेज करने के लिए भी, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके ग्रोथ, हाई ग्रोथ टारगेट करने के लिए भी, पिछले साल वी सजेस्टेड एन इंटरनेशनल फंड, इस साल वी वुड से उस फंड ने भी पिछले एक सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि वो वॉलेटाइल रहा है, तो इसलिए भी उसके सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं कि ये फंड बहुत तरीकों से एक स्मॉल कैप फंड जैसा एक्ट करता है, वॉलेटाइल होता है, रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एक स्मॉल कैप फंड वर्सेस अगर मैं इंटरनेशनल फंड लूं, तो ये मुझे कंट्री के मार्केट से हेज करता है और डिफरेंट मार्केट में एक्सपोजर देता है, डिफरेंट तरह की कंपनियों में एक्सपोजर देता है, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बढ़ता है और हेजिंग बढ़ती है, इसलिए इस साल इंटरनेशनल फंड रिमेन्स अ बेटर चॉइस। एंड इसमें भी वी आर स्टिकिंग विद आर लास्ट ईयर्स चॉइस। अब ये रिस्की है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इफ यू आर 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, आपको दो साल में पैसा चाहिए तो क्योंकि रिकमेंड हुआ है तो डाल दिया जाए, ये स्मॉल कैप या उससे भी ज्यादा रिस्की है। तो इट्स रिस्की, प्राइसेस भी पिछले साल जितने अच्छे नहीं है, ये फंड भी काफी बढ़ गया है तो इसके अंडरलाइंग स्टॉक्स भी काफी बढ़ गए। हाँ, बहुत बबल आ गया या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है, इसलिए इस साल भी वी आर कंफर्टेबल रिकमेंडिंग दिस फंड। ये फंड दो वैरायटीज में आता है, ETF में भी आता है और फंड ऑफ फंड में भी आता है। अगर ऑलरेडी यू हैव अ डीमैट अकाउंट तो आप ETF वेरिएंट चाहें तो ले सकते हैं या फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं, फिर तो ओपन है आपके लिए। और अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उनके लिए फंड ऑफ फंड भी है। चार्जेस हम ऐसे नेकेड आई से आप देखोगे तो लगेगा ETF काफी सस्ता है, सारे चार्जेस जोड़ के अगर मैं दोनों का टोटल एक्सपेंस रेशियो जोड़ू तो काफी कंपेरेबल है, कोई खास फर्क नहीं है। तो कॉस्ट के हिसाब से मत जाना। सेकंड, एक लिक्विडिटी होता है कि जब आप ETF की लिक्विडिटी देखोगे तो आपको खुद सेलर ढूंढना पड़ेगा। फंड ऑफ फंड में ये जिम्मेदारी आप एक तरीके से AMC को हैंडओवर कर रहे हो, तो ये भी एक बेनिफिशियल फीचर है। तो आपकी चॉइस है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। फंड का नाम है मिराय एसेट फैंग प्लस ETF या मिराय एसेट फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड, ये दोनों वैरायटीज में आता है। चॉइस इज योर्स। रिस्की है, हर किसी के लिए नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है,
हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देता है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो काफी वॉलेटाइल और रिस्की होता है, और टैक्सेशन भी इंटरनेशनल फंड्स का डेट फंड्स की तरह है। तो आपको वो जो इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट मिलते हैं वो इस फंड में नहीं मिलेंगे, तो टैक्स वाइज इट्स अ नेगेटिव टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे प्राइस में इन्वेस्ट किया जाए तो हायर रिटर्न्स कंपनसेट्स और कैन कंपनसेट आई शुड से फॉर हायर टैक्सेस। अब नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर लिस्ट, हमने चार वीडियो अभी तक बनाए हैं जिसमें लार्ज कैप फंड्स डिस्कस किए, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेवर, ईएलएसएस, हर तरह के फंड्स डिस्कस हुए और पूरी लिस्ट अब आ चुकी है। इस साल क्या हम कोई बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड डिस्कस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, एंड शुड यू बाय दैट कैटेगरी, या किन लोगों के लिए वो सूटेबल है? तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना है, और उस वीडियो के बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ये जो सारे फंड्स हमने बताए इस पे आपके डाउट्स क्या है। आपके कॉमेंट्स हमारी टीम लगातार पढ़ रही है और उन कॉमेंट्स को वी विल आंसर इन द वीडियो जो आएगा बैलेंस्ड फंड वाले म्यूचुअल फंड वीडियो के बाद। ये म्यूचुअल फंड सीरीज इस महीने जो चलने वाली है इससे आई एम होपिंग कि हम कुछ वीडियोस के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।